हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे बप्पा की कृपा से। चलिए बप्पा के लिए मोदक बनाते हैं। आज जो मोदक बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेगी और साथ साथ हेल्दी भी रहेगी। मोदक बनाने के लिए एक पपीता लिए हैं, इसको इस तरीके से काट कर छील लेंगे। हल्का कच्चा और पका दोनों होना चाहिए। कड़क होने से अच्छे से छिल जाते हैं और कद्दूकस हो जाएंगे। आज का जो मोदक है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ही टेस्टी इस तरीके से मोदक बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। पपीता को इस तरीके से छील लेंगे, इसको धो लेंगे। देखिए इसमें बीज नहीं है, पपीते में एक भी बीज नहीं है। इसको कद्दूकस करेंगे। इसी तरीके से सारे को कद्दूकस कर लेंगे। देखिए हमारे पपीता सारे कद्दूकस हो गए हैं। चलिए अब मोदक बनाते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, उसमें एक चम्मच घी डालेंगे और काजू और बादाम को भूंज लेंगे। आप और कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। काजू और बादाम हमारी भूंज गई है, उसको निकाल लेंगे। जो बची हुई है घी उसी में पपीता डाल देंगे, कद्दूकस करके रखे थे जो। वीडियो हमारी सब्सक्राइब और लाइक करिएगा फ्रेंड। इस तरीके से इस बार बप्पा को मोदक बनाकर चढ़ाए। एक बड़ा चम्मच शक्कर डालेंगे। बप्पा को कुछ नया खिलाए। बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको ढककर पका लेंगे। अब इसको 2 मिनट तक इसको भूंज लेंगे, इसका सारा पानी सोख जाए। भूंजने से और भी टेस्ट बढ़ जाती है। आधे ड्राई फ्रूट काट कर डाल दिए हैं, आधा सजाने के लिए रखे हैं। 2 चम्मच नारियल का बुरादा डाले हैं। सभी को मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें इलायची पाउडर नहीं डाली हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं। मुझे इसमें पपीता का ही फ्लेवर चाहिए। पपीता और घी और ड्राई फ्रूट का जो फ्लेवर है बहुत ही टेस्टी लगेगी। चलिए अब मोदक बनाते हैं। बैटर हमारी ठंडा हो गई है, ठंडा करने के बाद ही बनाएं। मोदक सांचे में दोनों तरफ से भर लेंगे।
इस तरीके से दबा देंगे, पीछे से भी थोड़ा दबा दबा कर भर लेंगे। दबा दबा कर ही भरे तो मोदक का सेफ आएगी। देखिए कितना ही बढ़िया मोदक बनी है। पापा को इस बार कुछ नया खिलाएंगे। इस तरीके से सारे मोदक को बना लेंगे। इस तरीके से काजू और बादाम से सजा लेंगे। देखिए कितना ही बढ़िया मोदक बनी है। खाने में या देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हमारे वीडियो को शेयर करिएगा कि और सब ऐसे मोदक बना